डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ द सेवेंथ वीडियो ऑफ लेसन टवेल्व ऑफ साइंस और क्लास सेवेन एंड द टॉपिक इज डिजिटेज एंड यूरिन एग्जामिनेशंस एंड एग्जामिनेशन रोग और पेशाब की जाँच एंड एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन एलोट अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी पेशाब की जाँच जो है वो बहुत सारी चीज़ें बताती हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो अनेक अंग हैं वे किस तरह से काम कर रहे हैं अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं उनके बारे में यूरिन जांच करने पर हमें पता चलता है द डॉक्टर देयर फॉर यूज द यूरिन टेस्ट टू हेल्प डायग्नोस डिजीजेज इसलिए जो डॉक्टर है वो यूरिन टेस्ट का जो पेशाब की जांच की जाती है उसका इस्तेमाल करता है और वह जो जांच है रोग के लक्षणों को पकड़ने में लक्षणों को जानने में वो मदद करता है या यूरिन टेस्ट इफ देयर इज एक्सेस शुगर इंजाइम ब्लड और अदर मटेरियल्स इन द यूरिन, इट इंडिकेट्स दैट सम ऑर्गन्स में नॉट बी फंक्शनिंग प्रॉपरली यदि पेशाब में ज्यादा शुगर की मात्रा आ रही है या इंजाइम्स हैं या फिर ब्लड भी यदि पेशाब में आ रहा है या दूसरे चीज़ें पदार्थ आ रहे हैं तो यह सूचित करता है या बतलाता है कि कुछ अंग जो है हमारे शरीर में सही ढंग से नियमित रूप से सही रूप में काम नहीं कर रहे हैं और एग्जाम्पल द प्रजेंस ऑफ शुगर इन द यूरिन इंडिकेट्स दैट द पर्सन में बी सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एग्जाम्पल के लिए पेशाब में शुगर की उपस्थिति यह बताता है कि एक व्यक्ति जो है डायबिटीज रोग से ग्रसित है जिसे चिनिया रोग भी कहते हैं इट इज ए मधुमेह भी कहते हैं इसको हिंदी में इट इज ए डिजीज इन विच द शुगर लेवल इन द ब्लड इंक्रीजेज बियड द नॉर्मल वैल्यू यह एक ऐसा रोग है जिसमें शुगर का स्तर जो है ब्लड में बढ़ जाता है जो जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए एक सामान्य स्तर होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति में शुगर का उस लेवल को क्रॉस करके और ज़्यादा हो जाता है समफ्त एक्सेस शुगर इज कैरिड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरिन जो शुगर है जो आवश्यकता से अधिक है उसका कुछ तो यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और द प्रजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन इज ए साइन ऑफ डैमेज किडनी यदि पेशाब में खून आता है या खून की उपस्थिति है तो यह पहचान है कि किडनी जो है नष्ट हो रहा है नष्ट हो गया है इट मे एराइज ड्यू टू डैमेज टू द निफ्रॉन्स बाई बैक्टीरिया और ऐसा ये इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि जो किडनी में नेफ्रॉन्स हैं जो कि वास्तव में टीनी फिल्टर्स हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा वो नष्ट हो रहे हैं या नष्ट हुए हैं इफ़ ए पर्सनस किडनीज आर डैमेज डॉक्टर्स रिमूव बॉडी वेस्ट बाई ए मेडिकल प्रोसेस नोन एज डायलिसिस यदि एक व्यक्ति का किडनी ख़राब हो गया है तो डॉक्टर उसको एक डॉक्टरी चिकित्सा के द्वारा बेकार शरीर के बेकार पदार्थों को हटाते हैं और वो प्रोसेस जो है डायलिसिस के रूप में जाना जाता है ए मोर परमानेंट सोल्यूशन इज किडनी ट्रांसप्लांट इन विच द डैमेज किडनी इज रिप्लेस्ड बाई ए हेल्दी किडनी डोनेटेड बाई समन। एक, एक किडनी का ट्रांसप्लांट यानी कि दूसरे व्यक्ति का किडनी लेकर के फिर से जिसका डैमेज हो गया है वहाँ पर लगा देना हटा करके एक स्वस्थ व्यक्ति का जिसने कोई दान किया है उसका किडनी लेकर के और फिर जो पीड़ित है सफरिंग पर्सन है उसके किडनी को हटा करके वहाँ फिट कर देना ये परमानेंट सोल्यूशन है इस, इसको किडनी को ठीक करने का ए, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्वेटिंग ये तो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें यूरिन के बारे में कि कैसे वो ब्लड फिल्टर करके और जो वेस्ट मटेरियल्स है यूरिन के रूप में निकलते हैं और किस चीज़ की उपस्थिति पेशाब में होने से क्या लक्षण दर्शाते हैं इसके बारे में पढ़ा ये रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज ऑल्सो डन बाई द स्वेटिंग जो शरीर के के अंदर जो बेकार के पदार्थ हैं उनको पसीने के द्वारा भी बाहर निकलता है वे बिसाइड्स किडनीज और स्किन एल्सो हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेस्ट किडनी के अलावे हमारा स्किन जो है चमड़ा जो है यह भी बेकार के पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है इट एक्सक्रीट्स

ये फिगर 12.5 में दिखाया गया है कि किस तरह से स्किन जो है स्किन में स्वीट ग्लैंड्स होते हैं जो अतिरिक्त जल को यूरिया को नमक और दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट जो है शरीर के अंदर वो पसीने के रूप में हैं उनको ये रिमूव करता है निकालता है स्किन एज स्वीट ए इट कूल्स बॉडी पसीना जब वाष्पीकृत होता है वाष्प के रूप में बनकर उड़ता है तब हमारा बॉडी जो है ठंडा महसूस करता है स्वेटिंग हेल्प्स टू कूल डाउन आवर बॉडी व्हेन इट इज़ वेरी हॉट और पसीना जो है जब हमारा शरीर काफ़ी गर्म होता है उस समय भी हमारे बॉडी को ठंडा करता है This video is over and this lesson is also completed. And uh, you will now try to write the question answers of this lesson. You will write the exercises, very short, short, and uh, long answers also. Thanks.